अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को। भिवानी के सेठ किरोड़ी मल पार्क में इन दिनों जेमिनी सर्कस का आयोजन किया जा रहा है। संख्या भले ही कम है पर सरकार सर्कस के प्रति बच्चों व महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सर्कस में महिला कलाकार का लोहे के भालों पर योग करतब, कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, हवाई झूला, पक्षियों का कमाल सहित विदेशी लड़कियों द्वारा अनेक रोमांचकारी कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन जानवरों पर सर्कस द्वारा बैन लगाने से सर्कस का करतब कुछ फीका नजर आ रहा था और यही कारण था सर्कस के घेरे में दर्शकों की कम संख्या और खाली पड़ी कुर्सियां। लेकिन फिर भी सर्कस से जुड़े लोग आज भी इस महंगाई के दौर में सर्कस को जिंदा रखे हुए हैं। जेमिनी सर्कस के प्रबंधक लाल सिंह यादव ने बताया कि सरकार ने जब से सर्कस में जानवरों पर बैन लगाया है तब से सर्कस में भीड़ कम होने लगी है, लेकिन फिर भी हम अपने देश व दूसरे देशों के कलाकारों की कला के बल पर इस खेल को जिंदा रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज के इस आधुनिक युग में जहां बच्चे सोशल मीडिया व टीवी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया क्रांति के बीच वे हमारी वर्षों पुरानी संस्कृति को संजोए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सर्कस बच्चों के मनोरंजन का सशक्त माध्यम है और सर्कस को पूरे परिवार के सदस्य एक साथ देख सकते हैं। सर्कस में जहां रोमांचकारी दृश्य देखने को मिलते हैं वहीं अनेक मनोरंजन के साधन भी हैं। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से सर्कस चला रहे हैं, विदेशों में भी उनके शो का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि सर्कस में बच्चों के मनोरंजन का खास ख्याल रखा गया है। भिवानी में 23 सितंबर तक सर्कस का आयोजन रहेगा। अरे आजकल सर्कस पे जानवर वगैरह बंद होने की वजह से लोगों में क्रेज कम हो गया है। बाकी हम लोग नए नए खेल और जैसे अफ्रीका से कलाकार ला के दिखा रहे हैं तो लोगों में थोड़ा क्रेज बढ़ रहा है और भविष्य में हो सकता है फिर से वही लाइन में आ जाएगा सर्कस जैसे पहले था। भिवानी से साहिल गिरधर की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।